जोर से चिल्लाओ, आवाज दो। वो देखो सामने गाड़ी जा रही है, वो पाकिस्तान की तरफ का रोड है, उधर से आप बाइक वालों को देख रहे हो और कार वालों को देख रहे हो, वो सारे लोग पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ उस जगह पे जहाँ आने के लिए मैं पिछले 6 महीने से इंतज़ार में था और कई बार मैंने कोशिश किया पर किसी न किसी कारण से मेरा जो ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। एक गांव, एक जैसे लोग, एक जैसे रहन सहन, एक जैसे खान पान, एक नदी, एक जैसे पहाड़, लेकिन दो अलग अलग मुल्क, दो अलग अलग सरहद, दो अलग अलग फौज, और इन सबको अलग करती है ये सामने जो आपको नदी दिख रही है। इंडिया वाले कहते हैं इसे किशन गंगा रिवर और पाकिस्तानी कहते हैं इसे नीलम गंगा, पाकिस्तानी से कहते हैं नीलम रिवर। आप देखो सामने, बिल्कुल सामने, या कह सकते हैं बिल्कुल सामने, बिल्कुल इतना सा फर्क रह जाता है और पाकिस्तान है। इतने करीब होके भी बस हम एक दूसरे को वेव कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो किरण वैली की खूबसूरती यही है कि लोग यहाँ से बिल्कुल पास में पाकिस्तान के लोगों को देखते हैं, हाय हेलो करते हैं। यहाँ के लोग उधर नहीं जा पाते हैं और उधर के लोग इधर नहीं आ पाते, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है जो आप यहाँ तक नहीं आते हो। अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन सा जगह देखना तो पैक पैक करो और आ जाओ केरन। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको कि बेहतरीन जगह है। ओके, डोंट वरी, आई विल शो यू एवरीथिंग। आपको इस ब्लॉग में सब कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा क्यों आना चाहिए आपको केरन। आप मेरे सामने देखो, बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आपको दिख रहा होगा, सामने होटल है और रेस्टोरेंट है और ये नदी है और इसके इस तरफ इंडियन पार्ट है जो इधर आप देख रहे हो। इधर टेंट है, इधर होटल्स है, ये इंडिया का है, लेकिन इधर बस पाकिस्तान, और सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस है। वो देखो सामने गाड़ी जा रही है, वो पाकिस्तान की तरफ का रोड है, उधर से आप बाइक वालों को देख रहे हो और कार वालों को देख रहे हो, वो सारे लोग पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ तक आने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा ऑप्शन बता देता हूँ, आप वो वीडियो के एंड में मैं उसको बताऊँगा। आप चाहो तो डायरेक्ट वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो कि कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ 405 रुपये खर्च करके आया हूँ और आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन 30 सेकंड का या 1 मिनट का वो वीडियो लास्ट में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 405 में कैसे आया। वैसे तो टैक्सी का ऑप्शन हमेशा ही रहता है हर जगह के लिए, कश्मीर के कोने कोने के लिए टैक्सी मिल जाती है। श्रीनगर से केरन आने के लिए जो मिनिमम चार्ज है वो 10,000 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ आपको एक दिन आकर रिटर्न नहीं हो सकते, वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है, जो हम इस वीडियो में आपको बता देंगे कैसे कहाँ से परमिशन लेना है। और वैसे आप एक दिन आ जाओ, कल फिर जा सकते हो, तो एक दिन आपको स्टे करना पड़ेगा। रुकने के लिए यहाँ पे टेंट है, होटल्स है, सारे फैसिलिटी है, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। ये आपके ऊपर है आप कितने दिन यहाँ पे स्टे करना चाहते हो। एक शांत सी जगह और एक ऐसा माहौल जहाँ आप चहल पहल को भूल करके कुछ वक्त बिताना चाहोगे। तो चलो आपको दिखाते हैं केरन वैली। पाकिस्तान में 10:21 और इंडिया में 10:51 हो रहे हैं, तो आधे घंटे का फ़र्क है वहाँ के टाइम पर यहाँ के टाइम पर। मेरे सामने आपको दिख रहा होगा ये है पाकिस्तान और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ वो इंडिया है। हेलो, ये पाकिस्तानी होटल्स है जो सामने हैं और इधर पाकिस्तानी होटल्स हैं, इधर इंडियन होटल्स है, और फिर इधर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पार्क बना है जो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू दिस पार्ट जो इंडियन पार्ट है इसे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप लग रहा है। सामने आपको जेसीबी दिख रहा होगा, यहाँ से जेसीबी से वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। सामने जो भाई साहब है ये हमारे टेंट को रेडी कर रहे हैं। जोर से चिल्लाओ, आवाज दो। क्या बनावट है, 3 मंजिला घर, वो भी लकड़ी से, पर अब ये बिल्कुल खंडर सा है। ये है नाशपाती जो पेड़ पर लगे हैं और कितने सारे लगे हैं। या ये मेरी मेहनत का फल
जो मैं खा रहा हूँ, खुद से तोड़े मैंने, बिल्कुल फ्रेश है और टेस्टी भी है। ये देखिए ये पाकिस्तान की तरफ से गाड़ी आ रही है, ये दूसरी गाड़ी, और ये भी तीसरी चौथी, सब एक लाइन से गाड़ी आ रही है, आपको दिख रहा होगा सामने। तो ये कितना पास में होटल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बस 50 मीटर के डिस्टेंस पे है यहाँ से। वैसे भी मैं आपको दिखाऊँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ, और सामने वो पाकिस्तानी लोग है, परहैप्स वहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट हो रहा है। भाई ने टेंट रेडी कर दिया है, थोड़ा सा रिलैक्स होता हूँ, अपने सारे सामान रखता हूँ और फिर मजे करता हूँ केरन के। छोटा सा हमारा टेंट है, पर टेंट का लोकेशन ओ काफ़ी अच्छा है। ये मेरा टेंट है जिसके लिए मैंने पे किया है 700 रुपीस पर डे के हिसाब से, पर टेंट का लोकेशन 700 के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। तो सामने रिवर है और जस्ट उसके आगे है पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी गांव है सारे के सारे। और यहाँ से देखो नीचे, तो आप देख ही रहे होंगे नीचे, ये टूरिस्ट है जहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कई सारे लोग यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं। आप देखो सामने से पाकिस्तानी गाड़ी आ रही है। एक घंटा रख कोशिश में लगा हूँ, एक तो आएगी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये पाकिस्तान की मस्जिद है जहाँ से आपको आवाज आ रही होगी अजान की। सामने ये पहाड़ी पे कई सारे आपको होटल्स दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे नीलम वैली में हैं जो कि पाकिस्तान में, और वो सामने से होता हुआ रास्ता पूरा नीचे तक आता है, और नीचे सामने इस तरह का कुछ नज़ारा है रात में पाकिस्तान के साइड में। अभी इंडिया के साइड में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, पर आने वाले टाइम पे होपफुली ज़रूर होगा। ये देखो इनका पूरा जगमगा रहा है, और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन्होंने 2005 से ही यहाँ पे टूरिज्म स्टार्ट कर दिया था, और अभी हमने इंडिया की तरफ 2021 में इसको स्टार्ट किया है। तो आने वाले दिनों में हम इससे और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे और बेहतर होने की उम्मीद है। रात के खाने के लिए मिला है मुझे रोटी और ये भुना हुआ चिकन, खाने के बाद पता चलेगा। और मेरे साथ हैं हाफिज़ भाई, जिसके साथ मैं कपवाड़ा से आया था केरन तक। आज रात को मैं पहले, कल तो मैं बना नहीं पाया रात को, पर आज रात को मैंने सोच लेते मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि यहाँ पे खाने के ऑप्शंस वेज में नॉन वेज में दोनों हैं। और राजा टेंट वैली है, यहाँ पे आपको टेंट भी मिलेगा, रूम भी मिलेगा, खाना इनका ज़बरदस्त होता है। आपने देखा ही होगा वेज का भी ऑप्शन है और नॉन वेज का भी ऑप्शन है। खाना खाता हूँ, इसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम है मुझे नहीं पता। बाय द टाइम मैंने खाना फिनिश किया, ये देखो ये मीटिंग कर रहे टूरिज्म पे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ देर इनके साथ बैठता हूँ, देखता हूँ क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस, दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं यहाँ ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ। उधर देखो वो सामने जो टेंट है हमारा, उसके पीछे वो पाकिस्तान है। ये ब्रेकफास्ट शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ, और मेरे लिए बिल्कुल इनक्रेडिबल है। ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर आगे चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अकेले रहते हो? जी नहीं नहीं, अच्छा घर में है। ये बोल रहा था कि वहाँ मछली पकड़ने के लिए आपके पास वो है काटा? नहीं, यहाँ के मिलेगा आसपास में? बाजार में ही मिलेगा, यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ना। मछली पकड़ना था शौक के लिए। इधर बिजली बिजली आती है? अच्छा, ये क्या है? ये नाशपाती। यस, तोड़ लो एक। तोड़ो? कैसे तोड़ो? अच्छा ऐसे फंसाना होगा क्या? एक और बस। आप कभी कोई उधर जान पहचान के हैं? नहीं भैया, हमारे जब हम पैदा हुए तो उससे पहले ये जा चुके थे। आपके पैदा से पहले बढ़ गया था? हाँ, तो मतलब अच्छा ये 1947 से ही अलग है ये अच्छा, गांव की मस्ती, जहाँ मर्जी घूमाओ, जिसके घर रुक जाओ, इनकी मेहमान नवाजी क्या कहने। कल से जब से मैं यहाँ आया हूँ लगातार पेयर्स खा रहा हूँ, कोई किसी तरह का रोक टोक नहीं, अब जितना चाहो तोड़ लो। ऊपर जो आपके घर 3 मंजिला है ना, तो ये लकड़ी का घर सह लेता है इतना?
हाँ ये तो लकड़ी मजबूत लकड़ी, कौन सी लकड़ी के बनते हैं? देवदार का लकड़ी। अच्छा इतने ठंडे पानी में लाइफ में पहली बार नहाया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि स्टेबल होने के लिए पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा था, पर फाइनली आई एम हैप्पी कि मैंने नहाया इस पानी में और फिर बाहर आ गया आराम से। अब दोबारा जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि पानी बहुत ठंडा और पैर जो है ना सुन सा पड़ गया भाई, फिर से जा रहा है। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, जहाँ से आप अपने चाहने वालों को खत लिख सकते हैं। जैसे ही आप किरण वैली की तरफ एंटर करेंगे, एक पर पोस्ट कार्ड 15 रुपया चार्ज करते हैं। अपने मैसेज को आप लिखो और भेज दो अपने चाहने वालों के लिए। और ताहिर भाई अंदर जाना होगा क्या? अच्छा बाहर ही वेट करूँ, ठीक है आप आओ अंदर, पोस्ट कार्ड लेके आना, कोशिश करना ज़्यादा मिल जाए तो। एक ही दो है? अच्छा चलो, ये मिल गया मुझे पोस्ट कार्ड। अब मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ खत अपने घर पर। होपफुली ये मेरे पहुँचने से पहले ये खत पहुँच जाए, क्योंकि मेरा आगे का भी कुछ प्लान है, भी एक दो जगह और कवर करने हैं मुझे। भाई संभाल के इसे पहुँचा देना, ऐसा ना हो कि ये यहीं रह जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ, ठीक है ना? ये सामने की तरफ इनका घर है, पर मैं अंदर की तरफ नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ बाहर से आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा दिखता है पोस्ट ऑफिस। ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ये गेट है जो ओपन होता है। मैंने यहाँ से पोस्ट कर दिया है घर के लिए, और अब यहाँ से मैं आगे की तरफ आपको बताता हूँ यहाँ से क्या करना है। आप में से कोई आए यहाँ पे आ रहा हो तो एक बार ज़रूर इस जगह को आप देखो। यहाँ पे कुछ साइंस बने हैं डिस्टेंस को दिखाते हुए, जैसे कि दिल्ली जयपुर ये लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जैसे आते हैं तो फिर पाकिस्तान के कुछ विलेजेस या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के नेम हैं, जो साथ में साथ डिस्टेंस भी दिया हुआ कितने किलोमीटर का है। तो इंडिया से ये पहला पोस्ट ऑफिस है केरन विलेज में, जहाँ से आप अपने घर पर खत भेज सकते हो। उससे आगे बढ़ते हैं जैसे ऊपर की तरफ, तो लेफ्ट साइड में हमें दिखता है एक इंडिया का शानदार सा तिरंगा लहराता हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी कवर कर लो। ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ से जो लुक दिखता है वो मिसमराइजिंग है और शानदार दूर तक दिखाई देता है और इंडिया के शान को दर्शाता है। प्राउड टू बी इंडियन। मैंने नीचे किसी से पूछा तो उन्होंने बोला इसका जो स्टेपिंग स्टोन है 2022 में रखा गया है। सामने वो नदी है, और सामने वो नदी है, नदी के उस पार पाकिस्तान है और इस पर इंडिया है। यहाँ से हम सारा का सारा केरन देख सकते हैं, और वो आपको दिख रहा होगा ना वो पेड़, उधर से होके हम इधर से आगे भी जा सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ नदी के साथ साथ हाई स्कूल की तरफ, जहाँ से पहुँचने पे आपको क्लोजेस्ट व्यू ऑफ पाकिस्तान दिखेगा। बिल्कुल अभी जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाती है, और ये नदी फिर आगे की तरफ टर्न होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ये देखो इसी पॉइंट से नदी आगे जाके इंडिया लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में पाकिस्तान है, जो नदी जो है वो राइट की तरफ टर्न हो जाती है। अभी इस रास्ते से होके हमने आगे जाना है, थोड़ा सा रास्ता यहाँ पे पथरीला रास्ता है, पर थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम लोग जो रास्ता लेते हैं पुल से लेफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लोज देखने के लिए आप राइट साइड भी जा सकते हैं थोड़ी दूर तक। ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उधर जंगल है, फिर आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये सामने स्कूल दिख रहा है और इधर रोड, कुछ लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे रेस्टोरेंट, और ये पास में नदी, और ये नदी से 10 कदम दूर हम खड़े हैं, और जिस पार्ट में मैं खड़ा हूँ वह हिंदुस्तान है, और जो ये रेस्टोरेंट है ये भी पाकिस्तान में। नदी को क्रॉस करते ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। केरन में आए हैं और पाकिस्तान को सबसे नज़दीक से देखना है तो आपको इस पॉइंट पर आना होगा। आपको याद रखने के लिए, आपके माइंड में रहने के लिए मैं आपको हिंट देता हूं, आपने कोशिश करना है हाई स्कूल के करीब जाने के लिए। ये सामने इस पगडंडी से होते हुए जंगलों के बीच में से हम होते हुए आए हैं। ब्रिज जैसे जो लकड़ी वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद मैक्सिमम लोग सीधा चले जाते हैं, आपने
राइट लेना है, वैली से वापस आ रहे हैं तो राइट लेना है, वैली की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर जंगल की तरफ से होके आप आ जाएंगे इस पॉइंट पे। अब इससे आगे हमें अलाउड है जाना या नहीं ये एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ शायद मुझे कोई दिख जाए तो मैं उनसे पूछ लूँ कि उधर जा पाएंगे या नहीं। कोई मुझे दिख नहीं रहा इस साइड से तो मैं किससे पूछूँ, क्या पता करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केरन, सामने आपको बच्चे दिख रहे होंगे, कुछ एक्टिविटी चल रही है, स्कूल का प्लेग्राउंड है, ये सामने इंडियन फ्लैग दिख रहा है। ये है हायर सेकेंडरी स्कूल केरन का और इसका ये प्लेग्राउंड है और जस्ट इसके सामने जो बिल्डिंग दिख रही है और ये है पाकिस्तान की बिल्डिंग। आप देख लो कितने कम फासले पे है दोनों कंट्री की सरहद। और ये देखो सामने गाड़ी दिख रही है, ये पाकिस्तान के साइड का रोड है और उधर से पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं और जस्ट इसके बीच में एक नदी है जिसकी जो विड्थ है मोर और लेस 20 मीटर या 50 मीटर से ज़्यादा नहीं है। यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट आप देख सकते हो पाकिस्तान को, इससे ज़्यादा नज़दीक केरन में कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा पाकिस्तान। तो अगर आप सबसे क्लोजेस्ट देखना चाहते हैं तो आप याद रखना कि हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है केरन का जो कि मेरे बाएं तरफ है, आपने इस स्कूल तक आना है और यहाँ से फिर आपको बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा। गाड़ी आती है बट पिकअप आती है, पिकअप ही आ सकती है। अभी हम नदी के बीचों बीच चल रहे हैं, पानी नहीं है, अगर ऑल ऑफ अ सडन पानी आ गया तो ऊपर भागने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको दिख रहा होगा सामने भीगा भीगा सा, इट मीन्स कि पानी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से हटा है, बालू है सूख गया गर्मी की वजह से, पर कभी कभी आ जाता है पानी यहाँ पे। ये मिल गया मुझे अलादीन का चिराग, कोई भी जिन आएगा मैं उससे मांगूंगा कि मुझे उधर पहुँचा दे, इधर वापस ले आए, देखे ना कोई। तो यहाँ तक हम आए हैं और यहाँ से कुछ पानी भर लेते हैं इस बोतल का पानी फेंक कर। क्या नाम है तुम्हारा? संजीव। यहीं केरन में रहते हो? कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से घर? किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, अच्छा लगता है कश्मीर? कश्मीर अच्छा है या दिल्ली? कश्मीर गए हो दिल्ली कभी? नहीं गए। जाना मेरे साथ, घर तुम्हारा इधर होगा ना गांव पे। हमें कश्मीर बहुत अच्छा लगता है, कश्मीर के मैंने सारे प्लेस देख लिए जो नॉन प्लेस है, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग, दूधपत्री, यूसमर्ग, अरवल वाटरफॉल, अनंतनाग में बेरीनाग, कोकरनाग, उसके बाद वो कलरूस किला, वो केव जो है अनंतनाग में बमजुबा केव, वो भी देख लिया मैंने, श्रीनगर का सारा देख लिया, बुरेज गया। फिर कितने दिन हुए आपको? मैं दिसंबर में आया था, दिसंबर के आते एक महीने के बाद चला गया था घर, फिर आया 15 दिन के बाद, फिर 3 महीने होकर फिर घर गया, जब सारा कम्प्लीट हो जाएगा फिर चला जाऊंगा। लद्दाख नहीं गया, लद्दाख कभी तो खुला रहेगा ना। सबसे ज्यादा मजा जगह की बात करो तो मतलब बुरेज वैली अच्छी है, फिर ये भी वैली, अरवल वाटरफॉल भी अच्छा है, मुझे पहलगाम बेकार लगा, कुछ कुछ मजा नहीं आया, सोनमर्ग में भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, खाली नाम फेमस है बस, वो भी सर्दी में कभी बर्फ रहता है तो दिख जाएगा, गर्मी में तो कुछ भी नहीं है, गर्मी में तो कुछ भी नहीं है सोनमर्ग में। बर्फ में गुलमर्ग है, पर यहाँ का कुछ अलग है, यहाँ का सबसे बड़ा क्रेज यही बॉर्डर है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं इस जगह के बारे में ना, बहुत पता चल गई। हाँ मतलब वही मैं बोला, कंपेयर टू अदर प्लेसेस बिल्कुल भी नहीं पता है, बाहर को ज्यादा पता नहीं है। हाँ आप लोगों को तो पता होगा ही, मतलब आउट ऑफ स्टेट मैंने तो थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा है, फिर पता करते करते आए कि लाइक बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे समुद्र के अलावा सब कुछ है, वहाँ बर्फ के अलावा सब कुछ है। यहाँ पे क्या किया एक्सप्लोर आपने? मैं उधर देख के आया पूरा लास्ट कॉर्नर था हाई स्कूल की तरफ से, नीचे से भी गया था। यहाँ पे बॉन फायर में मुर्गा भूनने का कोई ऑप्शन है? मतलब उसी में पकाना है, घर किचन में नहीं पकाना है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है
एक यही चीज रह गया था। हमें निकलना भी है अर्ली इन द मॉर्निंग, पर यहाँ पे बारिश हो रही है, पर इतनी तेज नहीं है, हल्की हल्की है। सामने भैया से, होटल वाले भाई से बात करो और फिर निकलो फटाफट, गाड़ी आ जाएगी। तब तक तो चलते हैं, पहले उनका टोटल चेकआउट करते हैं और वेट करते हैं गाड़ी का, गाड़ी आएगी, आगे चलते हैं। चलो भाई, केरन का हमारा सफ़र यहाँ कंप्लीट हुआ आज। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, किसी दूसरी जगह। हम सोच रहे थे, पता नहीं भूल तो नहीं गए ना, वो भी मुझे बोल रहा था। अभी मैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से मुझे लेनी है ट्रेन बारामूला के लिए। मेरी ट्रेन इधर से आएगी, अभी ये श्रीनगर से सांगलदान की तरफ ट्रेन जा रही है। वैसे मैं सोपोर उतर जाऊँगा, और क्यों उतरूँगा ये आगे फिर मैं बताता हूँ। सोपोर उतरने का जो रीज़न है कि सोपोर से कपवाड़ा जाना है हमने, और बारामूला से भी कपवाड़ा ही जाना है। सोपोर से थोड़ा 10 किलोमीटर शॉर्ट हो जाता है रास्ता। सोपोर से बाहर निकलते ही आपको कई सारी दिख रही होगी गाड़ी है, टैक्सी है, ऑटो है। तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एज कम्पेयर टू बारामूला थोड़ा ज़्यादा इजी है, तो यहाँ से गाड़ी आपको आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं कपवाड़ा का सफ़र करूँगा और फिर कपवाड़ा से आगे मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। कपवाड़ा टैक्सी स्टैंड से जब मैं चला हूँ और लगभग 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आता है करालपुरा पुलिस स्टेशन। इस तरह का एक फॉर्म मिलता है, पहले एक कॉपी रखें, फिर थाने में जाके इस तरह से परमिशन मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसका कम से कम भी तो 6-7 कॉपी इस तरह से करवा लें, रास्ते में आपको काम आएगा। जगह जगह पे आपको इस तरह का जो फॉर्म है इसको सबमिट करना होता है, लगभग 6 से 7 जगह, और ओरिजिनल को आप संभाल के अलग जगह पे रख लें। मैंने सारे फोटोकॉपीज़ को एक जगह पे रख लिए हैं और ओरिजिनल को मैंने बैग में रख दिया। यहाँ से फिर गाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी केरन के लिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी, जो परमिशन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। फॉर्म लिया मैंने, फिल किया, अंदर गया, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट मुझे मिल गया परमिशन। और परमिशन लेके अब मैं वेट कर रहा हूँ ड्राइवर आए, और उसके बाद फिर मैं चलूँ केरन की तरफ। तो केरन आई एम कमिंग।